आप लोग? पढ़ाई हो रही है कुछ? क्लास 11th अब क्या हो गया? अब तो बेटा टाइम ऐसा हो गया है कि टाइम है कम और काम है ज़्यादा, तो थोड़ा सा और फोकस होके काम करें, ठीक है, आप भी और हम भी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। उसमें हमने व्हाट वी हैव डन इज, हमने क्या क्या कर लिया है, हमने लास्ट वीडियो में किया था एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूलाज, राइट। अब देखो बेटा, हम अब आगे बढ़ रहे हैं स्टोशियोमेट्री या स्टीचियोमेट्री या स्टेक्योमेट्री। अब ये बोलोगे ये क्या बीमारी है, आप लोग तो ये बोलोगे, जो खासकर सीबीएसई वाले हैं, आईएससी वालों को तो थोड़ा बहुत पता होता है क्योंकि उन्होंने ये सब पहले किया होता है, ठीक है ना, आप लोगों ने कम किया होता है एज कम्पेयर टू दम। तो चलिए पहले हम स्टीचियोमेट्री क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्ट इक्वेशन, नाउ व्हाट, सबसे पहले आता है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? तो हम बोलते हैं जब भी कोई रिएक्शन होता है हम उसको लिखते हैं। जैसे हमने बोला कार्बन का कंबशन हुआ, ये तो बेसिक इक्वेशन है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसको हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम बर्न हुआ, Mg+O2 gives you 2MgO। तो जो भी केमिकल चेंज हुआ, क्या कार्बन का कंबशन या मैग्नीशियम का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको जब हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई? अब केमिकल इक्वेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि रिएक्शन को कंप्लीट करके, कोई भी केमिकल चेंज को रिएक्शन की फॉर्म में लिखना, राइट। अब जब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, हाँ, जब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो एक होती है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन और एक होती है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन में आप सिर्फ केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट बैलेंसिंग, यानी कि ये अनबैलेंस्ड होती है, इसको आप बैलेंस नहीं करते और इसको आप बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि स्केलेटल, हमने बोला मैग्नीशियम बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, MgO बना, क्या ये बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए मुझे यहां 2 लिखना पड़ेगा और यहां पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगी। तो ये जो स्केलेटल इक्वेशन है ये सिर्फ केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, दैट्स इट, ठीक है। क्या बोला? केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने बोला कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए और CH4 बना, इज इट बैलेंस? नो, तो वी कॉल इट स्केलेटल इक्वेशन, राइट। दूसरी आएगी बैलेंस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को मैं लिखूं Mg+O2, मैं लिखा 2MgO, नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो क्या हुआ है? मैग्नीशियम का कंबशन हो रहा है, राइट। ऐसे मैंने बोला कार्बन प्लस 2H2 गिव्स यू CH4, इज इट अ बैलेंस? यस इट इज अ बैलेंस। तो हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो बैलेंसिंग सीखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आया बच्चों? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। ना केमिकल इक्वेशन को सवाल ये आता है कि हम कितने तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो हमने बोला चार तरीके हैं जिनसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस या इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड, तीसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड और चौथा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। आप पहले जो दो हैं वो चैप्टर फर्स्ट में, यानी कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट में आप इसको पढ़ेंगे, और जो आखिरी के दो हैं ये चैप्टर 8 यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे,
अभी आपका आगे जाके आएगा तो उस चैप्टर में आप ये आखिरी के दो मेथड्स पढ़ेंगे, राइट। प्रारंभ दे आर द फोर मेथड्स बाय विच वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, राइट। तो पहला हिट एंड ट्रायल मेथड पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड सेज? अब देखो बेटा, क्या हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ये कोई प्योर पक्का तरीका नहीं है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, पर फिर भी काफी हमारी हेल्प करता है whenever we have to balance a chemical reaction, ठीक है। तो पहला हम इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड को? राइट डाउन फर्स्ट रूल इज द स्केलेटन इक्वेशन। सबसे पहले स्केलेटन या स्केलेटन इक्वेशन को लिख लो, जो मेन इक्वेशन है आपकी उसको लिख लो। तो हमने बोला सपोज Fe3O4 plus H2 gives you Fe plus H2O। Skeletal equation क्या होती है बच्चों? जो unbalanced होती है। तो हमने एक unbalanced equation यहाँ पे लिख दी है। तो सबसे पहला rule क्या है heat and dry method का, कि equation जो आपकी है raw equation जिसको हम बोलते हैं उसको आप लिख लीजिए। हमने क्या लिख लिया? इसलिए rule number second क्या है? Balance द मैक्सिमम एटम्स, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड। मतलब क्या? जो भी कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, सबसे पहले उसको बैलेंस करिए। अब देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने जानबूझ के अपनी तरफ से लगाया, मैंने ऐड किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, एग्रीड, ठीक है। तो जैसे हमने बोला, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं, Fe3O4 plus H2 gives you Fe plus H2, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, पर मैंने बोला ऑक्सीजन को छोड़ दो, उसके बाद किसके हैं? आयरन के। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करें, ठीक है। रूल नंबर सेकंड कंप्लीट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगा सबसे पहले उसको बैलेंस कर दो। जैसे यहां 3 है तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, डायटोमिक जो दो एटम के होते हैं, जैसे H2 डायटोमिक गैसेस, ये जनरली गैसेस होती हैं, ठीक है, लाइक H2O2N2, ठीक है, राइट then in monoatomic form, किस फॉर्म में लिखो? मोनोएटॉमिक फॉर्म में। जैसे Fe3O4 है, यहां पे H2 है, तो उसको H एटम लिख दो, तोड़ के H एटम, दो H एटम मत लिखो, सिर्फ H एटम लिखो। यहां पे 3Fe है प्लस H2 है, ठीक है, लिख दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा भाई, 4 ऑक्सीजन एटम है, यहां पे तो ऑक्सीजन है नहीं, यहां पे। तो अब क्या हो गया? 4 2 8, तो कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी? 1 भाई, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 1, ठीक है, हो गया। अब लास्ट में क्या करना है? लास्ट में ये जो मोनोएटॉमिक फॉर्म है, मोनो एटम मतलब सिंगल एटम वाली फॉर्म, इसको दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, इसको दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहां 4 ऑक्सीजन थे, 4H2, ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8, यहां पे 8 लिख दिया। पर जो मेरी मेन इक्वेशन थी उसमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में था? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो इसको वापस से कन्वर्ट द एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म बैक इनटू द मॉलिक्यूलर फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म को वापस इसमें कन्वर्ट कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? Fe3O4, 8H है, 8H की जगह मैंने क्या लिख दिया? H2 लिख दिया, तो 8 की जगह क्या जाएगा? 4H आ जाएगा, और गिव्स यू 3Fe प्लस 4H2, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज अ बैलेंस
केमिकल इक्वेशन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तब जाके आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको पॉज करके नोट कर लेना कि हाउ टू राइट इट। अब मैं फॉर्मूलाज नहीं लिखूंगा, अब हम राइट करेंगे, ठीक है? चलो एक बार और देखेंगे, फॉर्मूलाज लिख देंगे। आपको बैलेंस बहुत जरूरी है बेटा, इनऑर्गेनिक बैलेंसिंग नहीं आएगी यहाँ पे, नहीं सीखोगे तो कभी भी नहीं आएगी। और बहुत परेशान करती है इनऑर्गेनिक बैलेंसिंग, ये जो मेटल्स नॉन मेटल्स की बैलेंसिंग होती है, ठीक है? मैंने लिखा Al4C3 प्लस H2O gives you AlOH whole thrice, ठीक है, प्लस C3H4। चेक करो, क्वेश्चन चेक करो। चलो CH4 लिखते हैं, CH4 C3H4 लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, ये ठीक है। अब मुझे बैलेंस करनी है, ठीक है? तो ये क्या होगी, पहला रूल स्केलेटल इक्वेशन होगी, जिसमें स्केलेटल इक्वेशन होगी। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करना है जल्दी बोलो। बैलेंस किसको बैलेंस करना है? पहले एल्यूमिनियम को, फिर कार्बन को, ठीक है? बैलेंस एल्यूमिनियम एंड कार्बन। तो Al4C3 प्लस H2O गिव्स यू हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। क्या बोला सबने? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है? फिर हमने क्या बोला, एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, एल्यूमिनियम प्लस CH4, मेरे पास एल्यूमिनियम कितने हैं, 4, सॉरी यहाँ पे AlOH होल थ्राइस है, ठीक है, AlOH होल थ्राइस है, तो 4 लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, CH4 है बेटा। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे पिछले बार में क्या था, यहां पे डायटोमिक फॉर्म थी, यहां पे तो डायटोमिक फॉर्म नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब मैं एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दिया, ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गिनना। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4C12, ऑक्सीजन कितने हैं, 4C12, और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, प्लस 4, यानी कि 16 हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम है, 16 हाइड्रोजन एटम, ठीक है? और ऑक्सीजन कितने हैं, 12, और सारे के सारे ऑक्सीजन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या करो, पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करो। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 3, 12, और यहां पे कितने हैं, यहां पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है, यहां पे तो एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो क्या करें, यहाँ पे तो Al4C सबसे पहले कहा था एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग करेंगे, 4 एल्यूमिनियम किया। अब जैसे मैंने 4 एल्यूमिनियम किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 12 और ऑक्सीजन हो गए 12, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि 16 हो गए। तो अब 12 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 लगाना पड़ेगा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई, 12 लगाया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन को भूल जाओ। अब हाइड्रोजन को गिनो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 12 2 24, और यहाँ पे कितने 12, ठीक है? तो अब क्या, कितने हाइड्रोजन बचे, यहाँ पे कितने हो गए 24, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, अभी 12 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, तो कितने हाइड्रोजन आ गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो 4 3 12 4 3 12, हो गया बैलेंसिंग, हो गया बैलेंसिंग, हाँ या ना, हो गया पक्का? आगे चलो, ठीक, एक और करें, चलिए एक और करते हैं। आपको जब तक नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन है Pb3O4 प्लस H2 गिव्स यू, ध्यान देना प्लीज, नहीं आएगा तो ना, Pb प्लस H2O, ये बैलेंस है, ठीक है बच्चों? हाँ या ना, आया समझ में? अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले Pb को बैलेंस करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, Pb3O4 प्लस H2 गिव्स यू 3Pb प्लस H2O, लिख दिया, एक आधा Pb बैलेंस हो गया। अब इसको नहीं देखना है, ठीक है? अब ऑक्सीजन पे आ जाओ,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग है, ऑक्सीजन पे आ जाओ, यहाँ हाइड्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Pb3O4 है प्लस H2 है, Bh3PB है, कितने ऑक्सीजन आइटम है, कितने ऑक्सीजन आइटम है, चार, तो यहाँ पे लिख दो 4H2। और मैंने क्या कहा था, इस HH को किस में कर दो, एटॉमिक फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पे, 8, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आइटम है, 8, यहाँ पे 8 को सब मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। फिर क्या कहा था, इसको वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे, Pb3O4 प्लस H2, अब यहाँ पे 8H है तो क्या लिखोगे, 4H2 gives you 3PB plus 4H2। मेरे ख्याल से अब नाउ दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फिर सेकंड मेथड पे आते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो गया। एक बार करें, चलो ऊपर एक और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, प्रैक्टिस लगी रहे बेटा खूब सारी, ठीक है। मेरे पास है H2S प्लस SO2 gives you सल्फर प्लस H2, ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या सल्फर बैलेंस है, पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, लिख दी स्केलेटल इक्वेशन, दोबारा से इस इक्वेशन में लिखो H2S, एक ही इक्वेशन में खिचड़ी नहीं पकानी है, एक ही इक्वेशन में खिचड़ी नहीं पकानी है। अब यार ध्यान से देखना, अब हमने क्या बोला, हमने बोला भाई ध्यान देना, सब नहीं आएगा तुम्हें, हमने बोला यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितने, 2, यहाँ पे कितना, 1, अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूं, ठीक है, तो बैलेंस होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने, 1, पहले क्या लिखो, 2 लिख दिया 2, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस है, कहाँ बैलेंस है, हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन बैलेंस है, नहीं है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे कितने, 4, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एग्री, हाँ यार। अब क्या हुआ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, 2H2S plus SO2 gives you sulfur plus 2H2, agreed? अब sulfur की रो, 2 और 2 plus 1 कितने, 3, तो यहाँ पे कितना कितना पड़ेगा, 3, agreed? क्या रूल बना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड मेथड पे आते हैं, ठीक है, चलो बेटा सेकंड पार्ट पे आते हैं बैलेंसिंग के, और सेकंड पार्ट क्या है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। देखो जो हमने पहला वाला पढ़ा बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड, वो ज़्यादा यूज नहीं होता और सिंपल इक्वेशंस के लिए होता है, ठीक है। अब ये जो मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम ओवरऑल स्केलेटन इक्वेशन को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे टुकड़ों में, ठीक है। उसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, चलो दो हिस्सों में बांट देते हैं इसको, सी प्लस H2SO4 गिव्स यू CO2 प्लस H2O प्लस SO, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पहले तो स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है डिवाइड द अबव इक्वेशन इंटू टू पार्ट्स, कैसे डिवाइड करना। अब देखो कार्बन से हमें सिर्फ क्या मिल सकता है, CO2, बाकी ये दोनों चीजें तो इससे मिली होगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले H2SO4 लिखो, और उससे आप जो भी प्रोडक्ट्स बना सकते हो, H2O बना सकते हो, हाँ, SO2 बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, बना सकते, ठीक है। अब जो भी एटम बचेगा उसको मोनोएटॉमिक फॉर्म में लिख दो, जैसे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, सल्फर भी एक एक बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 हो गए, एक ऑक्सीजन आइटम हो गए, 4 ऑक्सीजन आइटम बैलेंस हो गए, एग्रीड। अब आइए कार्बन, कार्बन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, CO2 में कन्वर्ट करना है, कितने ऑक्सीजन आइटम है, 2 ऑक्सीजन आइटम है,
तो यहाँ पे आप कितने ऑक्सीजन लिखेंगे, दो ऑक्सीजन लिखेंगे, नेसल ऑक्सीजन, इसको ब्रैकेट में लिखते हो बेटा। अब देखिए क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन आपस में बैलेंस है, हाँ, ये वाली इक्वेशन भी आपस में बैलेंस है, हाँ, पर क्या ये दोनों इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। कैसे बैलेंस होंगी? देखो ये जो ओ है ये ओवरऑल इक्वेशन का पार्ट नहीं है, है कि कार्बन इस इक्वेशन का पार्ट है, हाँ, H2SO4 इस इक्वेशन का पार्ट है, हाँ, CO2 इस इक्वेशन का पार्ट है, हाँ, H2O इस इक्वेशन का पार्ट है, हाँ, SO2 इस इक्वेशन का पार्ट है, हाँ, पर ये नहीं, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैसे, जब दोनों साइड बराबर होंगे तभी तो कैंसिल करोगे, तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर, एग्रीड? ठीक है, अब क्या बचेगा आपके पास, कार्बन बचा, हाँ बचा, H2SO4 कितना बचा, 2H2SO4, ठीक है, और क्या बचा आपके पास, आपके पास सिंगल CO2 बचा, आपके पास क्या बचा, आपके पास 2H2O बचा, आपके पास क्या बचा, आपके पास 2SO2 बचा, 2SO2 सॉरी, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा, 2 और 2 कैंसिल आउट, जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, समझ में? तो ये मेरा पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल ले ले फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैंने बोला मेरे पास है आयोडीन, ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन करना है HNO3, मेरा क्या मिलेगा, HIO3 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ वापस, अब देखो इसके पास क्या एच एन नहीं है, तो ये भी इससे, तो ये H2O और ये NO2, ये दोनों मिलेंगे इससे, ठीक है, तो डिवाइड द अबव इक्वेशन इनटू टू हाफ। सबसे पहले वो लिखनी है जो मैक्सिमम प्रोडक्ट दे रहा हूं, HNO3 गिविंग मी NO2 प्लस H2, एग्री? अब यार फिर क्या रहा था, इंडिविजुअल एटम्स की बैलेंसिंग करो। अब N तो एक है पर H कितने, यहाँ पे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने, एक है, यहाँ पे 2 लिखे, जब 2 लिखोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, अब ऑक्सीजन पे आता है, 3-2 या डिलीवर 6, 2-4 और 1-5, कितने ऑक्सीजन बचे, एक ऑक्सीजन बचे, एग्रीड? यहां तक आ गया। अब आयोडीन पे आ जाइए, ठीक है, आयोडीन पे आ जाइए, I2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, HIO3, ठीक है, यहां पे आयोडीन कितने हैं, 2, यहां पे कितना है, 1, सबसे पहले तो इसकी बैलेंसिंग करनी है, हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लीजिए, इसके अंदर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से आएगा, पानी से, तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो क्या चाहिए, 1 पानी चाहिए, आ गया। तो आयोडीन बैलेंस है 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2, हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 बैलेंस। नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 3-2 जा 6, यहाँ पे कितने हैं, 1, कितने बचे, 5, इधर 5 कम है तो इधर लिख दीजिए 5, लिख दिया, लिख दिया बच्चों। अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है, ये वाली भी बैलेंस है, अब इन दोनों को बैलेंस है, आया, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 5, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, जल्दी बोलो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 1, हाँ या ना, है ना बेटा, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 1, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, 5 ऑक्सीजन कैंसिल करने हैं ना बेटा, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन का पार्ट नहीं है, जो ओवरऑल इक्वेशन का पार्ट नहीं होगा उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने में क्या आएगा, I2 आएगा प्लस 5, 5 2 10, 10 HNO3, हो गया, हो गया। अब यहां देखो, ध्यान देना, यहां पे कितने H2 है, 1H2, यहां पे कितने H2 हो गया, 5H2, यहां पे कितने बचेंगे, 4, एक कैंसिल हो जाएगा, हो गया, 2HIO3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितने NO2 हो गए, कितने NO2 हो गए, 10 NO2, हो गया। नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, I2 दो है, 2 आई है, 10 नाइट्रोजन है, 10 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन कितने, 10 हाइड्रोजन,
टू और एट टेन, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। समझ आ गए? तो मेरे ख्याल से पार्शियल इक्वेशन मेथड आपको आ गया होगा, क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं स्टीचियोमेट्री, उसमें इन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आगे बेटा, अब ये जो था ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक्स है, छोटी क्लासेस में आपने किए हैं, कम किए हैं, तो आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द स्टीचियोमेट्री, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीचियोमेट्री की बात करेंगे, स्टीचियोमेट्री क्या होती है, क्या होता है, मूल कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।